ये किरण चौधरी ने बनाया दी के राइट ली की सा किता ही सा पिन के बेरा किरण चौधरी का 5 साल नु दिखाई नहीं दिए किसकी बा पकड़े न्यू कुम रख से कड़े कड़े धर्मवीर सा कड़े किरण सा कड़े नहीं पर नौकरी लावण थे उन में मतलब के को अग्निवीर कर दिया 4 साल में के कमा के ले आओगा जड़ से उखाड़ फेंकेंगे इतना जोश नहीं गुस्सा है ये बीजेपी सरकार के प्रति। देखने मिला कि जो हमारे कांग्रेस प्रत्याशी थे भिवानी मंदरगढ़ के रावदान सिंह जी को ऊपर ईडी की रेड पड़ी है। को ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि लोगों की भावनाओं को लोगों के मुद्दों को उठा सकती है। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूँ जी आप सबका आपके अपने दल खोज हरियाणा पर। लगातार जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आना रहे हैं लगातार आप ही कवरेज करना रहे हैं और दिखाना रहे हैं कि कार्यकर्ता अलग अलग पार्टियों के नेता जनता का बीच में आज का दिन दिखाई देने लग रहे हैं, जनता ने संगठित करना रहे हैं, इकट्ठे करना रहे हैं और अपनी पार्टी की नीतियाँ तो जो है जनता ने अवगत करवाना लग रहे हैं। फिलहाल की बात करूँ हल्का तोसाम के अंदर मैं मौजूद हूँ, कैरू शहर के अंदर आप ही कैरू गाँव लगा लो शहर लगा लो ये जो कैरू बेल्ट जिसने बोली जाए तो कैरू के अंदर आप ही मौजूद हाँ। और मेरे साथ जो है एक बहुत बड़ा भीड़ तबका जो है मेरे साथ आपने दिखाई देना और कैमरामैन साथी आपने दिखाने लग रहे होंगे कि कितनी बड़ी भीड़ में जो है खैलिया साहब अपने साथ हैं भाई संजीत और लगातार जो है डोर टू डोर पीछे तो सामने न कराया था और अब जो है ये कैरों पूछे हैं तो आज मिनट तक मुलाकात का मौका मिला आज भी दो चार बात पूछ लेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया है। तो सामने थोड़ा और रखना जो तो सामने जो है आपने डोर टू डोर कराया था उसके बाद आज आप कैरू के अंदर हो तो कितना प्रभाव देखने मिला है और कितने का आपने सफलता मिली है? भाई बहुत बढ़िया रुझान है और कैरू के बाद हम जूही जाएंगे, ये तो चौंक है हमारे इलाके का बड़ा मेन चौंक है, अलग अलग गाँव के लोग हैं जी और इतना बढ़िया रुझान मिल रहा है, लोग स्वागत कर रहे हैं, बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं, रुझान पार्टी की तरफ बहुत अच्छा है और जो मुद्दे हैं उनको समझ रहे हैं, उनसे हम अवगत करा रहे हैं और लोगों की बातें हैं उन्हीं को हम उनके बारे में उनके सामने रख रहे हैं। जो हरियाणा मांगे साहब जो मुहिम साहब ने जो शुरुआत करी है जी जी। तो जब आप जनता से मिले हो तो क्या जनता भी वह मांग कर रही है वो हिसाब मांगना रही है कि? बिल्कुल मांगने लग रही है और लोग कह रहे हैं कि आपके साथ खड़े हैं हम और आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो ये प्रोग्राम शुरू किया बड़े भाई उन्होंने हमारा सारा मार्गदर्शन इसमें किया, उन्होंने कहा कि डोर टू डोर जाना है, हम तो उनके आदेशों की पालना कर रहे हैं, पार्टी हाईकमान के आदेशों की पालना कर रहे हैं, दीपक बाबरिया जी हुड्डा साहब और आदरणीय उदयबान जी सभी का जो आदेश है पार्टी का उसको मान्य करके घर घर पहुंचेंगे, पार्टी का जो प्रोग्राम है उसको एक एक घर में तो शाम हल्के के पहुँचाएँगे, लोगों को जोड़ेंगे, लोगों के साथ रहेंगे, लोगों को ये तसल्ली दिलाएँगे कि भाई हम कांग्रेस पार्टी आपके साथ हर सुख दुख में खड़ी है। तो तीसरा मोर्चा भी कोई प्रभाव डालेगा? देखिए तीसरा मोर्चा की तो बातें कहीं जिक्र ही नहीं आ रहा, पार्टी कांग्रेस के प्रति रुझान है जितना है कहीं और कुछ दिख ही नहीं रहा, ना बीजेपी दिख रही है ना तीसरा मोर्चा दिख रहा है, यहाँ तो बात सिर्फ आम लोगों की बात है और वो पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जी। उस समय से लोगों को ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि लोगों की भावनाओं को लोगों के मुद्दों को उठा सकती है। बात करें पिछले कुछ दिन की तो लगातार दिखाई देना रहा है कि अलग अलग जो नेता हैं विपक्ष के उनको ऊपर ईडी के रेड पड़ना रही है, पीछे मास्टर सतबीर रतेरा जी के ऊपर पड़ी थी, देखने मिला कि जो हमारे कांग्रेस प्रत्याशी थे भिवानी मंदरगढ़ के रावदान सिंह जी के ऊपर ईडी के रेड पड़ी है, तो इस तरह के समझो के ये तो बौखलाहट है जी पार्टी की बीजेपी की और उनको ये लग रहा है कि भाई अब कांग्रेस रुके तो की नहीं तो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नहीं दबेंगे, आज़ादी से पहले की पार्टी है, फ्रीडम फाइटर्स की पार्टी है, स्वतंत्रता सेनानियों का इतना बड़ा योगदान रहा है देश की स्वतंत्रता में, वो ये सोच रहे हैं कि अब इनको हम इस तरह से डरा धमका लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, आदरणीय रावदान सिंह जी बिल्कुल पाक साफ निकलेंगे इन सारी इन चीज़ों में से और हमें ये लगता है कि भाई बहुत समय हो लिया है ये लोगों को त्रस्त करते हुए, अब इनका बीजेपी पार्टी का जनता हिसाब करेगी। तो जनता हिसाब जो लोकसभा में आपने देखने में मिला शायद कुछ संगठन की कमियां लगा लो या भीतरघात की आपने बात करी थी वरना हो जाता है? हाँ हाँ भीतरघात तो था ही, देखो जी ये तो इसमें कोई दोराई नहीं है और ये तो बहुत अशोभनीय कार्य था उनके पार्ट पे और दूसरा ये है कि थोड़ा सा समय प्रचार का कम रहा दान सिंह जी को, अगर थोड़ा और समय मिलता क्योंकि 22 ही दिन मिले थे प्रचार के जी, अगर थोड़ा सा समय और मिलता तो हम वैसे भी जीतते और जो भीतरघात किया वो तो भैया जैसा भीतरघात जीवन में करता है आदमी जैसा करता है वैसा भुगतता है जी। ये तो अब उनको पार्टी में बीजेपी में गए हुए हैं जो उनकी वहाँ पे उनकी दशा हो रही है जिस तरह से उनको पार्टी में उनको तवज्जो दी जा रही है वो सब के आगे ही है। तो फिर
उस टाइम पर आपको प्रचार का समय कम था, लेकिन अब तो पूरा समय है संजीत ख्यालिया को, तो ये प्रचार नहीं, ये कांग्रेस का प्रचार है, संजीत ख्यालिया का नहीं है मेरे भाई। ये तो प्रचार जो है कांग्रेस पार्टी का प्रचार है, मैं तो कार्यकर्ता मात्र हूँ, मेरा क्या प्रचार है पार्टी। ये तो इतने लोग जो हैं ये पार्टी के लिए आए हुए हैं, संजीत ख्यालिया के लिए नहीं आए। मेरा नंबर तो गिरड़ी वीडियो आपकी डाली, तो उसके अंदर तो नीचे कॉमेंट में बाढ़ सी आ रही थी संजीत ख्यालिया का नाम भाई। वो तो देखो लोगों को जो सोच समझ और जो विचार हैं उनको तो मैं बांध नहीं सकता, लेकिन ये है कि पार्टी के प्रति रुझान है, हम तो आम कार्यकर्ता हैं और पार्टी के प्रति आप कहीं भी आप अपना भी सर्वे करेंगे, आप जाएंगे लोगों में तो पार्टी के प्रति जबरदस्त रुझान, क्योंकि एक कड़ा जनता की एक मांग है, एक विचार बन रहा है कि हल्के का चाहिए कैंडिडेट। देखो जी हल्के का तो मैं हूँ, इसमें तो कोई दराय नहीं है। और किसान आंदोलन में हमने देखा था कि जो है ना आपके परिवार ने आपने एक अपना हिस्सा, देखो ये तो जो 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 भी परिवार किसानी से जुड़ा हुआ है वो हर परिवार की किसी ने किसी तरह से योगदान दिया, किसी ने किसी तरह से दिया, वो भावनात्मक जुड़ाव था उस बात के। मैंने तो देखो कभी जमींदारा किया नहीं, ना मेरे पिताजी ने बहुत ज़्यादा कुछ जमींदारा किया, लेकिन हम भावनाओं से इस चीज़ से जुड़े हुए थे, जो हमारा जिस भी तरह से हमारा उसमें योगदान हो सकता था वो करते रहे। और जो दान की चीज़ होती है वो तो देखो गुप्त होती है, उसके बारे में किसी को बताया भी नहीं जाता क्या क्या योगदान दिया। लेकिन जनता तो बोल रहा है कि संजीत ख्यालिया का परिवार जो है किसान आंदोलन में अपना हिस्सेदारी निभा रहा था, ऐसा है ना, जनता बोल रही होगी। लेकिन देखो तो दान की और योगदान की जो बातें हैं ना, योगदान तो चलो दिख जाता है, लेकिन जो दान की और इन चीज़ों की बातें हैं ये मेरे ख्याल से हमें गुप्त रखनी है, दान गुप्त ही होता है जी। तो जनता जो आपने देखने लग रही है जी, पिछली बार भी आपने अपील करी थी जी, और अपील की नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ के याद दिलाना चाहोगे जनता ने इन 10 साल की, जिससे वो प्रभावित हों और आने वाले समय में डिसीजन बढ़िया ले। देखो एक तो नहीं है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ये बात बताने में, तो क्योंकि इतने मुद्दे हैं और वो सारे गिनाने लगूंगा तो शाम हो जाएगी जी। लेकिन मैं एक बात पक्की कहूँ कि भाई आम आदमी की जो सुनवाई है ना जी, और हमारे एरिया की खास तौर पे, उसमें 2-3 मुद्दे मैं मेन मानता हूँ जी। पहला मुद्दा तो सबसे है रोजगार का, हमारे एरिया में रोजगार की बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। उसके लिए हमारा जो निदान है वो हो सकता है प्राइवेट सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर से कैसे हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ 2018-19 के आसपास इन्होंने ये यहाँ पे एक हाईवे मंजूर किया था, हिसार तोशाम बाडड़ा सतनाड़ी रिवाड़ी हाईवे, और वो हाईवे 4-लेन एक्सप्रेस वे बनना था जी। और किसी भी तरक्की का माध्यम हाईवे से जुड़ा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। वो हाईवे यहाँ से बने और हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी चल रही है HSIDC की कि जितने बड़े बड़े हाईवे हैं उन पे इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए। हमारा वैसे भी कम पानी का इलाका है, सूखा इलाका है, हमारी ज़मीन उतनी उपजाऊ नहीं है, तो जब ज़मीन उपजाऊ नहीं है तो उस ज़मीन को हम अपने हिसाब से और कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया बड़ा लगाया जा सकता है। अब कैरू और तोशाम के बीच में इतनी ज़मीन है जो कि कम उपजाऊ है, उसको सहर्ष हर किसान भी दे देगा, जिस ज़मीन को उसको 70 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा उसको 15 लाख की ज़मीन को 70 लाख रुपए मुआवजा देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, रोज़गार लोगों को मिल जाएगा। और इस तरह की और असंख्य चीज़ें हैं जिनको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, और ये हम आगे प्रयासरत रहेंगे और इसको करवा के छोड़ देंगे। रोज़गार अकेला सरकारी उससे होना मुश्किल है, क्योंकि सरकारी नौकरियां बहुत लिमिटेड उसमें हैं, प्राइवेट सेक्टर ही ऐसा है जिससे कि बेरोजगारी का निदान हो सकता है। अगर एक समस्या और मैं बताऊं अपने, तो जो बीमा स्कीम जो आई है इस सरकार में, और उसमें जो है सरकार ने वह चीज़ लागू तो कर दी, लेकिन जनता कह रहा है कि भाई हमें बीमा तो कटवा लिया हाँ, लेकिन जब सती हो जाए हमारे भगवान को ऐसी चीज़ कर दी है तो हमें बीमा नहीं मिलता। 2022 का भी बड़ा लड़ झगड़ के लिया था मेरे गांव की बात करूँ तो, और 2023 का भी बाकी है, 24 का भी बाकी है, तो वो बड़ा ये सरकार तो सारी ही झूठ पे मतलब इनका जो काम है वो सारा झूठ पे है। आप इंश्योरेंस की बीमे की बात कर रहे हो, आप ये जो आयुष्मान कार्ड है इनका देख लो, इनका उपचार का इन्होंने अब कोई प्राइवेट अस्पताल इनका वो जो भुगतान है या जो मतलब इलाज है वो करने से मना कर गए, क्योंकि सरकार ने उसका भुगतान नहीं किया। ये तो मिट्टी गोली देने वाली सरकार है भाई, और इनको उखाड़ के फेंकेंगे और सरकार बदलेंगे, आम आदमी की सुनवाई होगी और उसी से ही आम आदमी की समस्याओं का निदान होगा। तो आम आदमी भी आपके साथ में, तो बोले राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम है? संदीप आलमपुर जी। अच्छा, तो संजीत ख्यालिया साहब तो नूके हैं भाई, उखाड़ फेंकाएंगे, उखाड़ कितना बिल्कुल बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, इतना जोश नहीं, गुस्सा है ये बीजेपी सरकार के प्रति। तो फिर
आप इन लोकसभा में देखा था कि एक रोष भावना थी, तो विधानसभा चुनाव में बातचीत देखने को मिलेगी बिल्कुल उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा आगे। अच्छा हाँ जी, क्योंकि हमारे जो तोसाम क्षेत्र है वो ज्यादातर किसानी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और किसानी के अंदर इन्होंने इतना मिसगाइड किया इस सरकार ने, वो चाहे रोजगार के ऊपर हो, वो चाहे बीमा फसल के ऊपर हो, एक बार बोल देते हैं हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, पीछे का आप इतिहास उठा के देखोगे कुछ गांव को छोड़ करके कि फसल बीमा की क्या हालत कर रखी। शुरू में इन्होंने क्राइटेरिया बनाया था कि हम एक एकड़ को हम इकाई मानेंगे जी। उस टाइम पे लोगों को भ्रमित करके इन्होंने ये स्कीम लागू करवाई, उसके बावजूद इन्होंने पूरे गांव को इकाई माना, और एक गांव में जो होता है उसका कोई भी इन्होंने कोई समाधान नहीं किया है। 2022 का बीमा देखोगे हमने लड़ झगड़ के बीमा लिया था, 2023 का देखोगे आज तक उसका क्या बोलते हैं किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर तक नहीं दिया, किसान के पैसे बैंक से पैसे कटे हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया है, पैसे आने तो बाद की बात है। ये हमेशा झूठे वादे करते हैं, लाखों युवाओं का इन्होंने जो भविष्य है वादर में लटका के छोड़ दिया है सरकारी नौकरी के नाम। भूल जाओ क्योंकि इनको ये ऐसी सरकार है कि इनका कांडा लिकड़ा और आपका इसी मजा बढ़ेंगी। कांडा फिर कड़ा लिकड़न दे, कांडा पे कौन लिकड़न दे, कसू तो काट देंगे इनका। हाँ के कुछ मीठी गोली देता हूँ, मीठी गोली सारी दे रखी से बालक से, वो तो हंड रहे हैं, पानी से कोनी, पीने का पानी कोनी, नहरें का पानी कोनी, नहरें ने सुधरवा हुए कोनी, इससे फालतूर की करेंगे। और नौकरी लावण थे उनमें मतलब के अग्निवीर कर दिया, 4 साल में के कमा के लिया होगा। अपना तो जमींदारी एरिया में तो फौज पुलिस का नहीं ज्यादा चल रहे, फौज पुलिस का नहीं चल रहे, वो खत्म है कर दी है। इंडस्ट्री एरिया हमारा शह कोनी है, रोड बना था वो 4 साल तक इशारते तो शाम तक, इतना बुरा रोड का हाल, बाईपास गामा में कहो कि घूम घूम के हम जान लाग रही है, तो के मतलब काम कड़े करे। बुढ़ा पेंशन थी उससे में टांग अड़ा दी, नवंबर में हरियाणा आजाद हुआ था है, नवंबर में शुरू करी, 2 साल देखी ने वापस से फिर नवंबर वाली भी काट दी, 250 से 200 रुपये बता के 3000 रुपये करे कि उनका घर कितना लागत था, हम दया कमा के इन मारा पीछा हमें दिया को नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे ये तो। हाँ भाई साहब, राम राम। राम राम, ये नाम है संपत कोठारी। अच्छा तो कोठारी साहब आप क्या कहना चाहोगे, क्या विचार अपने? भाई हमें तो जमान कांग्रेस की जन कर नीतियाँ है ना, वो जनता तक पहुँचाओ हम भाई संजीत ख्यालिया के साथ है। संजीत ख्यालिया देख लो, ख्याली साहब कित गए देख लो, जनता जनता यह बात कर नारी, मैं थोड़ी कम हूँ, मुझे संजीत ख्यालिया साथ। हाँ तो जनता की मांग है ख्यालिया साहब, जनता की तो शाम की मांग है। अच्छा अच्छा, तो फिर नू लग है भविष्य, अगर आपने बीच का होगा तो आप जाके नू काम है कि भाई बाँ पकड़ ले भाई, वो काम करवाना पड़ेगा 100% सारे काम हो जाएंगे, बाँ पकड़ने की जरूरत पड़ पड़े, हमारा घर का छोरा है, हैं हाँ सबका साथी है, बाँ की जरूरत कौन पड़ा है, अपने आप काम हो ही जाएंगे, कमांगे वही हो जाएंगे। अगर नहीं भाई तो फिर इतना भी तो विधायक कर आप एमपी तो घने बनाए हैं, पर पहले तो ऐसा काम कौन देखा भाई, बाँ पकड़ जा जाएगी। नहीं नहीं, बाँ इन्हें पब्लिक ने देख लिया ना, आज बाँ पकड़ने था भी कोई नहीं, वो तो एक बार वोट मांगे थे अपने जाबड़े थे, 5 साल में दिखाई नहीं दिए, किसकी बाँ पकड़ा है, नहीं कौन रख सें कड़ा कड़े, धर्मवीर सा कड़ा, किरण सा कड़ा, नहीं पता ही नहीं लगा कड़े। करीब संजीत ख्यालिया टिकट मिल जाए जीतता है तो यो हड़ा हल्का में बैठा जाएंगे, तुम आओ मिलो सब भाई। अच्छा। किस जगह हो जाने को ना, ना तुम हमारे चाहोगे संदीप वाड़े ऑफिस बना रहे। अच्छा, अच्छा। तो आड़ा ऑफिस बनाने लाए रहे, हाँ सारा काम बड़े करते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ। आप और दर्द अपने विचार के कहना चाहो? विचार तो जनता ने टेक दिया भाई। अच्छा हाँ, वोट की चोट बीजेपी को भूंडी रड़ मारनी है, हर एक वोट तो अपनी लगा ली बीजेपी साफ से। अच्छा हाँ, मैडम इंधन गई है तो वोट ले ही जा रही है, मैडम तो आपकी जात वजन एंड है कि तान लाग जात तो। अच्छा काम में कौन बड़ा मैडम का नहीं। हाँ कांग्रेस में होती तो फिर हमारे मैडम ने तो ये भी खास बात थी। अच्छा हाँ, इतना विश्वासघात करनी आदमी किसा को नहीं होता, ठीक समय बड़ा दुश्मन हो विश्वासघात करनी आदमी, ठीक एक तरफा माहौल रखा करते मैडम का, हरिदान सिंह का टाइम में कितना विश्वासघात कर, पीछे विश्वासघात कर इसने, तो ये विश्वासघात माड़ी चीज है, और इसने समझ होगी थोड़ा नाम भाई, बीजेपी ने बजावांगे कांग्रेस ले आवांगे। अच्छा और भाई संजीत ने जितावांगे ले भाई, तो जनता के कड़े न कड़े आवाज आन ला रही है कि भाई
कांग्रेस की टिकट लेनी है और अंकल जी भी दो बात धरेंगे। राम राम अंकल जी। राम राम। क्या नाम है? अनार सिंह। अनार सिंह। अच्छा तो फिर नुकाया करें, एक अनार 100 बीमार है। देख ले तो बीमार तो कई हो रहे हैं, लंबी लेन है ना। मांगे एक ही है हमने। अच्छा। संजीत खैलिया। अच्छा अच्छा। जिसकी थोड़ी चीज होना है उसकी जरूरत ज्यादा हो। सही बात। आप सारी जनता सत्ता परिवर्तन चाह रही है, क्यों महंगाई का मुद्दा लो, बेरोजगारी का लो, कोई हरेक तरह हरेक आदमी दुखी है। ये नया छोरा समाज का गांव का लड़का है। किरण चौधरी ने बनाया दी के बेरा इटली की से किता हिस्सा पिन के बेरा किरण चौधरी का। संजीत खैलिया तो हमारे बीच में रहे है, समाज सेवा करी है। जावरी का सर जा भी इसका इसके पास है। किरण चौधरी कितो हम किस धर्म भी नटो हर बार जनता इनके पीछे ही, जनता दुखी रह से बाद में वोट जरूर गे रहा फिर बाद में दुखी। नए की पकड़ है बात। नए की से कांग्रेस पार्टी तो है युवा लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, जनता के बीच में रहा है, अच्छे काम करेगा तो आगे बढ़िया सफल हो जाएगा, भीतरी घात करेगा तो मैडम जो पार्टी बदल जाएगा। चलो भाई, जनता ने अपनी राय दी है और वकील भी हैं, पेशे थे तो सारी समस्या परेशानी जाने हैं, हर एक चीज़ का निदान जाने हैं, क्योंकि सारी किताबें संविधान रूल रेगुलेशन सब कुछ इन्हें पता है, सब कहीं का आइडिया है, तो वो चीज़ भी है। और जनता में खड़े खड़े मांग हो रही है इस बार हल्का तो सामने कि नया चेहरा नया कैंडिडेट होना चाहिए, पुरानियाँ तो जनता छिक चुकी है, अब नया कौन नाम भी लेन लाग रही है। नाम तो भाई संजीत खैलिया का आन लाग रहा है, कैंडिडेट और भी हैं, वो हल्का तो शाम की जनता और जो हमारा कांग्रेस हाईकमान है हुड्डा साहब हैं या फिर ऊपर सेंटर में चले जावा तो उनके ऊपर बातचीत है कि वो किसने टिकट दे, किस पर भरोसा जतावे हैं और आने वाला समय किसका सुनहरा हो, किसने मौका मिलेगा, वो आपकी भी राय दर दियो, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाची तैयार भाण बहनों अपने राम राम जी।